पार्टी के वक्तदार जो नेताओं को सिद्धरामैया साहब से और डीके साहब से, प्रियंका खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल साहब से, मैं सबके साथ सब लोगों से मैं विनती करता हूँ, ये यंग नेता को आप लोग ने थोड़ा ये निगम मंडली का कौन सा भी एक स्थान दिए तो कांग्रेस ऐसा ही जिंदा रहेगा और रवि चौहान भी आगे कार्यकर्ताओं के लिए बेसमेंट बनाएगा और आगे चलकर अपना कांग्रेस को वो फाउंडेशन लेके मजबूत आगे बढ़ने के लिए एक हथियार चाहिए उनको, हथियार मतलब एक अधिकार। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। मैं राजू चौहान, बंजारा समाज प्रमुख मुकंडा कुसनूर। ये पत्रिका विषय में एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर रवि चौहान साहब ने बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी में बहुत सालों से मेहनत की है, फिर भी आखिरी तक उसका हाईकमांड तक उनका ही नाम था। बाद में थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में वो पार्टी का वहमत से कुछ कारण के लिए उनका टिकट नहीं मिला, तो भी उन्होंने पूरा कांग्रेस में जुड़ा रहा। दूसरे पार्टी से उनको ऑफरें आई थी बहुत सारे, JDS से आई थी और नया रेडी बनाया सो पार्टी से आई थी, फिर भी वो कौन सा भी पार्टी में नहीं गए। तो कार्यकर्ता का एक वम्मत में लेके, कार्यकर्ताओं का एक डिस्कस करके उन्होंने कांग्रेस में रह के, रेहू नायक भी अपना ही आदमी है, अपना पार्टी ने उनको समझ कर टिकट दिए है, अपने बुजुर्ग है, इसलिए अपन सब जुड़ के उनके लिए मेहनत करेंगे, बल्कि दिन रात उनके लिए मेहनत की है। और कलबुर्गी ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का नाम निशान नहीं था, वहाँ 4 बार MLA कांग्रेस से BJP के बने थे, एक ही बार अपना मंत्री बने थे कांग्रेस के। ऐसा होके ना पूरा जीरो मठ में था, वहाँ पर जो डेवलपिंग भी जीरो मठ में था और कांग्रेस का पार्टी का नामो निशान नहीं था। वैसे समय में रवि चौहान ने क्या किया, उनके कार्यकर्ता लोगों को जुड़ा किए, बूथ वाइज ने उन्होंने रचना किया, खुद बलबूते के ऊपर उनका खुद खर्चे से, किससे भी आमिष से 1 रुपये किससे भी नहीं लिया, खुद का एक इत्मीनान से पार्टी का अभिमान के लिए रात दिन मेहनत करके कोरोना टाइम में किट घर घर जाके किट बांटने का, रात को 12 बजे ऑक्सीजन पहुँचाने का, ऐसा सब मेहनत किए। और गांव-गांव में, विलेज में कहाँ एक्सीडेंट होता है, कहाँ दवाखाने में एडमिट होता है, वैसे जगह में पहुँच के तुरंत वो मरीज के लिए क्या इलाज को क्या लगता था, उनके पास कुछ गरीब लोगों के पास डिपॉजिट भर में भी पैसा नहीं था, वापस लिख जाने के समय में खुद रवि चौहान ने खुद के पैसे से उनका डिपॉजिट जमा करके उनका आगे का इलाज कराया, ऐसे बहुत सारे उनके कारनामा है। इसलिए मैं स्थान दिए तो कांग्रेस ऐसा ही जिंदा रहेगा और रवि चौहान भी आगे कार्यकर्ताओं के लिए बेसमेंट बनाएगा और आगे चलकर अपना कांग्रेस को वो फाउंडेशन लेके मजबूत आगे बढ़ने के लिए एक हथियार चाहिए उनको, हथियार मतलब एक अधिकार, कौन सा भी एक अधिकार चाहिए। कौन सा भी एक निगम का एक चेयरमैन बनाए, अध्यक्ष बनाए, तो आगे चलकर अपना गुलबर्गा ग्रामीण में कांग्रेस शाश्वत रहता है। अचानक ऐसे लोगों को नहीं दिए तो कांग्रेस में असमाधान रहता है। टिकट नहीं मिलने से बहुत सारे कार्यकर्ता असमाधान थे, इसलिए सबको हम अंदर में लेके, टिकट MLA टिकट न मिलने से नाराजगी जता रहे थे कार्यकर्ता लोग, फिर भी हम उनको इस मामले लेके उनको सब में अपने साथ में रख के अभी पार्टी हाईकमांड ने डिसीज किया, इसलिए वो जो कैंडिडेट को सपोर्ट करने के बोल के अपन सब जने मीटिंग बुला के वो 2-4 हज़ार कार्यकर्ता के साथ अपन रेहू नायक साहब को बेंबल घोषित करके अपन कांग्रेस में रह गए। बहुत सारे पार्टी से आमिष आई थी उधर इधर के, और लोगों में कोई डिस्कस है, ये है वो है, रवि चौहान साहब को कुछ नहीं मिला, ऐसा ऐसा बोल के वो अपोजिट पार्टी वाले बहुत सारे बातें की, फिर भी हम कौन सा भी कान नहीं देते हुए उधर केयर नहीं किए। हम पार्टी के लिए आखिरी तक हम लड़ते रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, इसलिए हमको एक मौका दो बोल के हम कांग्रेस, राज्य कांग्रेस को हम ये पत्रिका, इसके लिए हम ये आवेदन करते हैं। क्या कुछ मिला उनको? कौन सा भी एक निगम मंडली का कौन सा भी अध्यक्ष, बहुत सारे निगम मंडली है, उसमें कौन सा भी एक निगम का दो, हम यही चाहिए वही चाहिए नहीं बोल रहे, हमको आगे काम करने के लिए, आगे काम करने के लिए इंजन में जरा एक अधिकार रहा तो उनके साथ हम फॉलोअप होके गुलबर्गा ग्रामीण हम कांग्रेस प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं। नहीं बोले तो हम MLA टिकट हमको नहीं मिला तो भी हमको नाराज़गी नहीं है, हम कांग्रेस में रहे। और बहुत सारे उनको पार्टी, अलग अलग पार्टी से आमिष आई थी, फिर भी वो किसको भी नहीं गए, हम कांग्रेस में रहेंगे, आखिरी तक हम कांग्रेस में लड़ेंगे।
इसलिए तो उनका एक हम आह्वान है कि ये यंग नेता को आप लोग ने थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देके उनको आगे कौन सा भी एक निगम का घोषणा किया तो उनके साथ में हम बेल्ट बना के कांग्रेस का और मजबूती से हम आगे चलकर काम करते रहेंगे बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। मेरा नाम राजू चौहान, गुलबर्गा ग्रामीण, बंजारा मुकंड। आप वर्दीकारों को मेरा पहला नमस्कार और सलाम अलैकुम। मेरा नाम मैनुद्दीन है, मैं सिनौसरगी ग्राम पंचायत का वाइस डिप्टी चेयरमैन भी था और तालुका पंचायत का एक सदस्य भी था। मेरा ये कहना है कि राजू रवि चौहान साहब हमारे एरिया में मैक्सिमम काम कर रहे हैं और गोर गरीबों के साथ हर मदद को आकर खड़े हुए हैं। टिकट नहीं मिली ये दूसरी बात है, अगर टिकट नहीं मिली तो भी हम सब मिलके, मैं भी दूसरी पार्टी में था, राजू चौहान साहब रवि चौहान साहब हमारे को लेकर के कांग्रेस में लेकर के मैक्सिमम वर्क करें। हम पब्लिक के लिए भी उन्होंने रवि चौहान साहब डॉक्टर रवि चौहान साहब भी बहुत सारे काम किए हैं। कोरोना में बोले हमारे भाई कोरोना में भी दुनिया का बड़ा काम करे हैं और जो भी छोटे मोटे गोर गरीबों का जो भी काम है वो उन्होंने खुद ठहर के करते हैं। एक तो दूसरी बात क्या है बोले तो रवि चौहान साहब एक यंग लीडर हैं और ये दूसरी बात क्या है बोले तो हर यंग बच्चे के दिल में रवि चौहान साहब बसे हुए हैं। ऐसे एक नेता को नेता बनाएंगे तो आगे हमारा डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमारी एक गुजारिश है कि हमारे सम्मान्य श्री खड़गे साहब होंदे या तो सम्मान्य श्री हमारे सीएम साहब होंदे या डीके सुकुमार होंदे, थोड़ा ऐसे यंग लीडर की तरफ थोड़ा एक नज़र डाल के उनको एक थोड़ा अगर कौन सा एक पावर दिया तो जो भी यंग जनरेशन है जो लीडर जो हैं लड़के लोग जो उनके साथ कांधा में कांधा मिला के कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से बढ़ाने की ताकत रखते हैं। इसलिए हमारी एक गुजारिश है, मैं एक मुस्लिम का हूँ, मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से भी हमारी गुजारिश है और बंजारा के लोग भी मेरे भाई लोग आए हुए हैं उनकी भी गुजारिश है, कुछ लंगर समाज के लोग आए हैं, पुजेरी आए हैं, हाँ हम सबकी एक ख्वाहिश है कि कोई भी एक निगम मंडली होंदे वो ये वैसा ऐसा हमारी मांग नहीं है। रवि डॉक्टर रवि चौहान साहब को एक दिए तो हम सब पूरी उत्साह से आगे चलने के और ज़्यादा काम करने के ख्वाहिश रखते हैं। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि रवि चौहान साहब को कौन सा एक निगम मंडली दे के हम ये औरा सरकाल और कमलापुर पट्टी वालों को खुश करते हैं बोल के आप सारे सीएम साहब को और डीके सुकुमार साहब को हमारे पूज्य खड़गे साहब को हम ये उम्मीद करते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।